मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र में NH2 पर एक स्कूटी सवार युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है। दरअसल स्कूटी से अपने घर जा रही युवती का पीछा कर रहे बाइक सवार युवक ने पहले तो लड़की पर अश्लील कमेंट पास किए और उसके बाद अश्लील हरकतें करते हुए उसकी शर्ट खींचकर उसे नेशनल हाईवे पर गिरा दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने लड़की को बचाया, वहीं उसे हॉस्पिटल भेजा, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले के मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आ रही थी अपने ऑफिस से शाम के टाइम, तो एक लड़का आया था मेरे पीछे बाइक पर। वो बदतमीजी से बोल रहा था कि मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, ये वो दूंगा। फिर मैंने अपनी स्कूटी थोड़ी तेज़ दौड़ाई कि इससे ये पीछे हट जाए, लेकिन वो हटा नहीं। मेरे साइड में बगल में स्कूटी उसकी चलती रही और उसने मेरी शर्ट खींची और मेरी स्कूटी डिसबैलेंस हो गई। फिर मैं प्रकाश फैमिली ढाबा यहाँ पर आके गिर गई। फिर वहाँ सबने फिर मुझे बचाया। हाथ पे आई है, पैर पे बहुत ज़्यादा चोट आई है। तमीज़ है, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फिर कभी मैं फ्यूचर में भी जाऊँगी तो सेफ फील नहीं करूँगी रोड पर भी। दिनांक 29/8/2000 को वृंदावन थाने पर एक व्यक्ति ने आकर तहरीर दी कि कल उनकी बेटी गोवर्धन चौराहा की तरफ से स्कूटी से आ रही थी, प्रकाश ढाबे के पास एक प्रदीप नाम के लड़के ने छेड़छाड़ की नीयत से धक्का देकर गिरा दिया था, जिनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। प्रदीप नाम के लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है।